Hello students, how are you? I hope you all are doing well. As you know, we are having our English class today. Well, class 6, lesson 11, left in charge. So once again, I welcome you in the classes conducted by SCRT. So let us start our class 7, lesson 11, left in charge. So are you ready? Sorry for the inconvenience because we have some issues here. Now we resolved it and let us start our reading. So you can see in the first slide what you are seeing. You have seen some characters of this lesson. सो लेफ्ट इन चार्ज इस लेसन में आपके पास कितने कैरेक्टर हैं मैं वो आपको समझा दे रही हूँ. मदर, फादर, भोला, दादी माँ, हैन विथ चिक्स, डक विथ डकलिंग्स, अ काल्फ, अ किड, अ रैबिट, मतलब इतने लोग आपको इस लेसन में मिलेंगे. ठीक है ना, मम्मी है, पापा है, भोला, दादी माँ, एक मुर्गी है अपने बच्चों के साथ, एक बतख है अपने बच्चों के साथ, एक बछड़ा है, एक बकरी का बच्चा है और एक रैबिट है. चलिए आगे देखते हैं. हाँ, यहाँ पर एक साइड आप देख सकते हो कि एक गांव का इमेज है ना, विलेज सीन है. जैसे कि कई सारे बच्चे यहाँ पे भी गांव में रहते हैं तो आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है ना. तालाब है, बैलगाड़ी है, छोटे छोटे घर हैं, हरी भरी आपको वहाँ पे सड़कें दिख जाएंगी, सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ रहते हैं, खेत रहते हैं, तो हरियाली भी काफ़ी रहती है ना. बहुत ही शांत और काम एटमोसफियर रहता है विलेज का. तो चलिए बढ़ते हैं हमारा लेसन लेफ्ट इन चार्ज. माँ एंड बापू हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लोथ्स, है ना, माँ और बापू वो अपने नए कपड़े पहन रहे थे. दे वर गोइंग टू टाउन टू सेल द वेजिटेबल्स, वो कहाँ जा रहे थे, शहर जा रहे थे. क्यों जा रहे थे, अपनी वेजिटेबल्स को बेचने, सेल करना मतलब बेचना. ग्रोन इन देयर स्मॉल फील्ड, उनके छोटे से खेत में उगती थी. भोला वॉज वेरी हैप्पी, भोला बहुत खुश था. क्यों खुश था, क्या वो भी अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा था क्या शहर, इसीलिए तो बच्चे खुश होते हैं. लेकिन He was not going with his parents. वो अपने parents यानी कि मम्मी पापा के साथ नहीं जा रहा था. He was left in charge to take care of दादी माँ, क्योंकि उसे उस घर का इंचार्ज बनाया गया था उस दिन का. मतलब कि लेफ्ट इंचार्ज मतलब उस दिन घर की सारी जिम्मेदारियां भोला उठाने वाला था, मतलब उस दिन वो बड़ा बनने वाला था. तो बच्चों को अगर ये बोला जाए कि अब तुम बड़े हो गए हो, सारी जिम्मेदारियां उठा सकते हो, आज की जिम्मेदारी तुम उठाओ, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, नहीं कि मुझे भी चलो जिम्मेदारियां मिली हैं. तो इसलिए भोला बहुत खुश था क्योंकि वो लेफ्ट इन चार्ज था और उसको किनकी देख रेख करनी थी, दादी माँ की, उसकी दादी माँ की जो कि 80 साल की थी, उनकी देख रेख करनी थी. और किनकी किनकी, अ काल्फ, अ किड, अ रैबिट, डक्स, अ हैन विद चिक्स एंड अ स्मॉल वेजिटेबल फील्ड, ये सारे लोग. साथ ही में वो बछड़ा, बकरी का बच्चा, वो रैबिट, बदक, मुर्गी अपने बच्चों के साथ, है ना, और वो छोटा सा खेत उनका, इन सब की देख रेख भोला को करनी थी. चलिए देखते हैं व्हाट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये देखिए, हिज मदर वॉर्न्ड हिम, उनकी माँ ने उन्हें चिताया, डोंट फॉरगेट टू फीड द कैटल. कैटल का मतलब होता है बच्चों जानवर, है ना, मवेशी. उनके घर में जो मवेशी थे उनको खाना खिलाना मत भूलना. एंड द बर्ड्स, मतलब जो मुर्गियां और बतख भी थे उनके ऊपर भी आप ध्यान रखोगे और उनको भी खिलाओगे. कीप एन आई ऑन द रैबिट, और खरगोश के ऊपर नजर रखना. इट इज प्लेइंग देयर ऑन द ग्रीन ग्रास इन द वेजिटेबल फील्ड, वो वहाँ हमारे खेतों में हरी हरी घास में खेल रहा है. ऐसा उसकी माँ जो है वो जाते ही समय भोला को वार्न करके जाती है, चेतावनी दे के जाती है कि तुम सावधान रहना और इन सब पर नजर रखना. हिज फादर एडवाइज्ड हिम, उसके पिताजी उसको सलाह देते हैं, टेक केयर ऑफ दादी माँ, की दादी माँ का ख्याल रखना. कीप हर रूम वार्म, उनके कमरे को गर्म रखना. चारकोल मतलब कि अंगीठी जला के या फिर इसी प्रकार से कोई ऐसी चीज वहां पे रखना जिससे उनका कमरा गर्म हो जाए. एंड गिव हर वार्म मिल्क, और उन्हें गर्म दूध देना. गिव हर मेडिसिन ऑन टाइम, और उनको दवाइयां भी समय पे देना. भोला प्रॉमिस नोडिंग हिज हेड, नोडिंग करना मतलब सिर हिलाना. आपको जब मुंह से कुछ बोलना नहीं रहता और आपको हाँ या ना कहना होता है तो आप ऐसे सिर हिलाते हो हाँ के लिए और ऐसे सिर हिलाते हो ना के लिए, इसको कहते हैं नोडिंग. ठीक है, तो भोला ने भी हाँ कहने के लिए अपना सिर हिलाया. ही रिमाइंडेड देम टू ब्रिंग सम स्वीट्स, कलर पेंसिल्स एंड अ ड्राइंग बुक,
और भोला ने अपने पेरेंट्स को याद दिलाया कि जब वापस आओगे तो मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आना, मेरे लिए कलर पेंसिल लाना और एक ड्राइंग बुक भी लेकर आना। दिया बुलक कार्ट, बुलक कार्ट का मतलब होता है बच्चों बैलगाड़ी, वॉज गोइंग थ्रू द नैरो स्ट्रीट ऑफ द विलेज, वो गांव की पतली सकरी सड़क से होकर जा रही थी। द वेविंग हैंड्स ऑफ पेरेंट वर स्टिल विजिबल, और दूर जब तक दिखता रहा भोला, उसके माता पिता उसको हाथ हिलाते रहे। भोला हेल्प दादी माँ टू लाई डाउन ऑन द कॉच लेइंग इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड। भोला जो है उसने दादी माँ की हेल्प की, है ना, आंगन में एक खाट रखी थी उस पर उन्हें लिटाने में उनकी मदद की। ही वेंट टू द बैक यार्ड एंड ब्रिंग सम कोल फॉर द अंगीची टू कीप दादी माँ वॉर्म, और उसके बाद वो पीछे वाले आंगन में गया जिसको हम बैक यार्ड कहते हैं, और वहां से थोड़े से कोयले लेके आया। कोयले क्यों लेके आया? क्योंकि अंगीठी में डालने थे, क्योंकि पापा ने कहा था ना कि दादी माँ को ठंड नहीं लगनी चाहिए, है ना, उनका कमरा गर्म रखना, उनके आसपास में गर्माहट होनी चाहिए, तो वो कोयला लेने चला गया। चलो ये देखते हैं व्हाट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड। एज यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रैबिट है, हैन विद चिक्स है। एज शी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, दादी माँ को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए भोला जो है उनके लिए अंगीठी जलाने के लिए कोयला लाने को चला गया। और वहां जब वो बैकयार्ड में जाता है तो क्या देखता है? ही सॉ द काल्फ मेकिंग साउंड मो, तो वहां वो बछड़े को देखता है जो जोर से आवाजें कर रहा था। बछड़ा कैसे आवाज करता है? मो मो ऐसे चिल्लाता है ना। ओ यू वॉन्ट सम ग्रास, तब भोला को लगा कि अच्छा वो कुछ खाने के लिए मांग रहा है। ओ तो तुम्हें घास चाहिए, ऐसा वो उस बछड़े से कहता है। भोला केप डाउन हिज बैग, पिक्ड अप अ बंडल ऑफ ग्रास एंड रैन टू द काल्फ। तो भोला क्या करता है, वो बैग जो उसके हाथ में था उसको नीचे रख देता है और घास का बंडल उठा लेता है, ठीक है, और कहाँ पे जाता है, उस बछड़े के पास। इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड ही सॉ द किड जंपिंग एंड क्राइंग, और जब तक वो काल्फ के पास जाता है तब वो क्या देखता है, आंगन में वो बकरी का जो बच्चा है वो जोर जोर से उछल रहा है और चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? मे, व्हाट अबाउट मी, है ना, कि मेरे बारे में भी तो सोचो, मुझे भी भूख लग रही है। तब भोला क्या करता है, ही केप डाउन हिज बंडल ऑफ ग्रास एंड रैन आउटसाइड द हाउस टू गेट सम फ्रेश लीव फॉर द किड। उसके हाथ में जो घास का बंडल था वो नीचे रख देता है और भागता है घर के बाहर कि उस बकरी के बच्चे के लिए मैं कहीं से ताजी हरी पत्तियां ले आऊं। तो ये घर के बाहर भागता है, तब क्या देखता है, ओनली देन ही सॉ द रैबिट इन द वेजिटेबल फील्ड। तो देखता है कि अरे खरगोश तो हमारे खेतों में घूम रहा है, ठीक है। ही फॉरगेट टू कलेक्ट लीव फॉर द किड, और वो भूल जाता है कि मुझे उस बकरी के बच्चे के लिए पत्तियां ले जानी है, और क्या करता है, एंड रश्ड टुवर्ड द रैबिट, और खरगोश की तरफ भागता है। विद अ स्टिक, हाथ में एक छड़ी लेकर ही पुश द रैबिट बैक टू इट्स प्लेस, वो खरगोश को उसकी जगह पे ढकेलता है। कमिंग बैक टू द हाउस ही फाउंड द हैन विद चिक्स मेकिंग नॉइज कुट 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 कुटुम, है ना। जब वापस वो घर आता है तो क्या देखता है, मुर्गी अपने बच्चों के साथ आवाजें कर रही है, कुट कुट कुट, जैसे कि आप सब भी जानते ही होंगे किस प्रकार से आवाज करते वो घूमते हैं, तो यहाँ पर वो साउंड लिखा है कुट 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 कुटुम, क्या क्या इस प्रकार। चलिए देखते हैं आगे। अब वो देख सकते हो इमेज में वो कितना परेशान है, कभी उसके हाथ में वो बकेट है जिसमें बर्ड्स के लिए दाने हैं, उसके हाथ में वो सफाई करने वाला एक है, और उसके सिर के ऊपर मुर्गी बैठी है, नीचे मुर्गी है, मतलब इतने परेशान है बच्चा बेचारा, यहाँ से वहां भाग रहा है लेकिन काम वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो देखते ही जम्प टू गेट सम कॉर्न इन द बास्केट फॉर देम, वो भागता है और एक बास्केट में उनके लिए मकई के दाने भर के ले आता है। देयर इन द कोर्ट यार्ड एन आर्मी ऑफ डक एंड डकलिंग्स वॉज मार्चिंग मेकिंग नॉइज क्वैक क्वैक। अब जैसे कि इमेज में दिख रहा है कि वो बदक और उसके बच्चे पूरे आंगन में चक्कर लगा रहे हैं, है ना, मार्चिंग कर रहे हैं और साथ में आवाजें भी कर रहे हैं। क्या आवाजें कर रहे हैं? क्वैक क्वैक। भोला कैप्ट हिज बास्केट ऑफ कॉर्न ऑन द फ्लोर, तो भोला जो है अपनी बास्केट जमीन पर रख देता है। ही रैन टू गेट सम वाटर फ्रॉम द वेल बिहाइंड द हाउस एंड केम बैक विद अ बकेट फुल ऑफ वाटर। तो वो क्या करता है, अब वो बाल्टी लेके जाता है घर के बाहर, घर के पीछे जाता है, वहां से एक पूरी बाल्टी भर के पानी लेके आता है कुएं से। ही कैप्ड द बकेट ऑल्सो इन द मिडल ऑफ द कोर्ट यार्ड, और वो बाल्टी वो बीच आंगन में रख देता है, ठीक है, फॉर द डक्स एंड फीलिंग टायर्ड वेंट टू द वरांडा वेयर दादी माँ वाज स्लीपिंग इन द सन। अब वो इतना सब कुछ करके बेचारा थक जाता है भाग भाग के, तो वो क्या करता है कि वो वरांडा जिसको बोलते हैं वहां पे जाके वो सो जाता है, ठीक है, थका हुआ था तो वो सो जाता है। वेयर दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन द सन, जहाँ दादी माँ भी धूप में सो रही थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
हाँ, ही रोल डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेंट टू स्लीप, वो जमीन पे लुढ़क जाता है और सो जाता है। लाउड बार्किंग वोक अप दादी माँ, बहुत तेज आवाज से दादी माँ की नींद खुलती है। शी क्राइड, और वो चिल्लाती है, ओ माई गॉड, ओ मेरे भगवान, वॉट हैव यू डन, भोला भोला, या तुमने क्या किया। भोला स्प्रिंग ऑन हिज फीट, भोला उछल के अपने पैरों पे खड़े हो जाता है। ब्लिंकिंग हिज आईज, अपनी आंखें मलता है। ही कुड सी द डक्स फ्लैपिंग देयर विंग्स, देखता है कि बदक जो है वो अपने पंखों को फड़फड़ा रही है। दे हैड रोल्ड डाउन द कॉर्न ऑन द कोर्ट यार्ड फ्लोर, जो मकई के दाने उसने रखे थे बीच कोर्ट यार्ड में, वो सारे फैल गए हैं और उसमें बदक बढ़िया मस्त अपने पंख फड़फड़ा के घूम रही है यहाँ से वहां। द हैन एंड हर चिक्स वर फीडिंग देम सेल्फ, मुर्गी और उसके बच्चे खुद से दाने चुग रहे हैं। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर वो क्या देखता है, द गोट वॉज चूइंग सम ग्रीन लीव्स ऑफ वेजिटेबल ऑन द वेजिटेबल पैच, कि वो जो बकरी का बच्चा है वो जो सब्जियां इकट्ठी करके लेके आए थे उनके मम्मी पापा, वेजिटेबल पैच मतलब कई सारी भाजियां होंगी उसमें, उसमें से निकाल के वो हरी हरी पत्तियां खा रहा है। द रैबिट वॉज ट्राइंग टू गो टुवर्ड द वेल, और जो खरगोश है वो कुएं के पास जाने की कोशिश कर रहा है। द काल फॉज रनिंग एंड जंपिंग हियर एंड देयर विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ, और जो बछड़ा है उसके मुंह में घास उसने भरी हुई है और वो यहाँ से वहां आंगन में उछल कूद कर रहा है। सडनली हर्ड द जिंगलिंग बैल ऑफ द बुलेट कार्ट, अचानक उसको बैलगाड़ी की घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कमिंग नियर द हाउस, जो उसके घर के पास आ रही है। ही रैन टू इट, वो दौड़ के जाता है। एंड जम्प इन टू द बुलेट कार्ट, और दौड़ कर उस बैलगाड़ी में बैठ जाता है। क्लिंगिंग टू हिज मदर्स लैप, अपनी माँ की गोदी में जाके छुप जाता है। ही मर्मर्ड, मर्मर्ड का मतलब होता है धीरे से फुसफुसाना, ओ व्हाट अ लॉट देयर वाज टू डू इन द हाउस माँ, ओ आज घर में करने के लिए बहुत कुछ था माँ, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, दे ऑल वेंट इनसाइड द हाउस विद द थिंग्स, वो सभी लोग सारी चीजें लेकर घर के अंदर आते हैं। द पेरेंट्स नोटिस दैट नो वन कंप्लेनिंग और मेकिंग नॉइज, के पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही, नॉट इवन द हैन एंड चिक्स, यहाँ तक कि मुर्गियां और बतख भी चुप है, डक और डकलिंग्स भी चुप है, किड और काल्फ मतलब कि बकरी का बच्चा और बछड़ा वो भी एकदम शांत थे। दादी माँ वॉज स्लीपिंग इन हर कॉट, दादी माँ जो है अपनी खाट पे सो रही थी। बापू पैटेड भोला शोल्डर, पैटेड का मतलब होता है थपकी देना, बापू ने भोला के कंधे पे थपकी दी है ना, मतलब शाबाशी दी एक तरीके से होता है। सो अवर लिटिल वन लेफ्ट इन चार्ज हाउ वॉज द डे, और उनसे पूछते हैं कि और हमारे छोटे से कमांडर लेफ्ट इन चार्ज जो थे, आज का तुम्हारा दिन कैसा था। दे ऑल स्माइल स्लोली, और वो सब धीरे से मुस्कुराने लगते हैं। भोला वॉज हैप्पी टू सी द थिंग्स दैट माँ एंड बापू ब्रॉट फॉर हिम, ठीक है, और भोला वो सारी चीजें देख के खुश होता है जो माँ बापू उसके लिए लेके आते हैं। ये देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग है, ये इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, बिकॉज यू हैव टू रीड द वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश टू इंग्लिश इज नेसेसरी, तो आपको इंग्लिश में भी उसकी मीनिंग याद करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो लिखा है एक एक बार उसको आप पढ़िए, और यूज़ द डिक्शनरी फॉर द हार्ड वर्ड्स, और डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए हार्ड वर्ड्स के लिए, तो इसको आप देखिएगा, इसके मतलब आपको डिक्शनरी से मिल जाएंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन आंसर, इसमें सिर्फ चार क्वेश्चन हैं और वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, आप इजीली उनका जवाब दे सकते हैं। भोला वॉज नॉट गोइंग टू टाउन विथ हिज पेरेंट्स बट ही वॉज वेरी हैप्पी, वाई, भोला अपने मम्मी पापा के साथ नहीं जा रहा था शहर पर फिर भी वो खुश था, क्यों, क्या आप लोगों के पास जवाब है? सर अनम्यूट है ना बच्चे, हाँ अनम्यूट कर दीजिए अगर जुड़े हैं तो वो जवाब दीजिए। नहीं जुड़े शायद, मेरे को लगता है कि लोग इस वक्त जुड़े थे। बोला जो है अपने पेरेंट्स के साथ शहर नहीं जा रहा था लेकिन वो खुश था, क्यों, क्योंकि उसको लेफ्ट इन चार्ज बनाया गया था, उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि आज आप घर संभालोगे, दादी माँ संभालोगे, है ना, इसलिए वो खुश था क्योंकि उसे लगा कि वो बड़ा हो गया है इसलिए उसे जिम्मेदारियां दी गई हैं। ठीक है, सेकंड, भोला वॉज लेफ्ट बिहाइंड एट होम टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स ही हैड टू डू। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भोला के पास घर में करने के लिए बहुत सारा काम था, तो आप उनकी लिस्ट बनाइए कि उसे क्या क्या काम करना पड़ा, है ना, बहुत सारे काम, दादी माँ की देखभाल, है ना, बकरी को फीड करना, मुर्गियों को फीड करना, डक्स को फीड करना, रैबिट के ऊपर नजर रखना, ये कई सारे काम थे।
तीसरा राइट द थिंग्स भोला आज इज पेरेंट्स टू ब्रिंग फ्रॉम द टाउन मार्केट, उन चीजों के बारे में बताइए जो भोला अपने मम्मी पापा से कहता है कि आप शहर से लेकर आइए। तो क्या क्या चीजें मंगाता है? स्वीट्स, कलर पेंसिल्स और ड्राइंग बुक, ये तीन चीजें वो मंगाता है। व्हाई डिड भोलास पेरेंट्स स्माइल एट द एंड, भोला के पेरेंट्स अंत में क्यों मुस्कुराने लगे? क्योंकि उन्होंने देखा कि भोला ने सारा काम ठीक तरीके से किया था, भले ही वो जानते थे कि सारा काम ठीक तरीके से नहीं हुआ, फिर भी उसने कोशिश की, इसके लिए वो खुश थे। तो आगे की स्लाइड में मैंने इसके आंसर्स भी लिखे हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे आंसर देखिए जो मैंने अभी बताया है, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, एक स्लाइड में होगा आंसर। बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वेरी क्विकली। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज थर्ड और फोर्थ के आंसर्स हैं। वही देखिए आंसर जो मैंने बताया, क्या क्या चीज़ें मंगाई मार्केट से और उसके पेरेंट्स क्यों स्माइल करने लगे एंड में। ठीक है, अब ये ट्रू फॉल्स है ये बताना है। भोला डिड इज वर्क वेल, भोला ने अपना काम अच्छी तरीके से किया, किया कि नहीं किया? किया मैम। ओके, दिस इज ट्रू। हिज पेरेंट्स वर एंग्री विथ हिम, उसके पेरेंट्स उससे नाराज थे, ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, गुड। द एनिमल्स एंड बर्ड डिड नॉट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, किसी भी जानवर और पंछियों ने कुछ भी कंप्लेंट नहीं की, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, गुड। द डक्स फेड देमसेल्फ, है ना, मतलब कि बदक ने खुद ही से खाना खा लिया, ट्रू। फिफ्थ वन, द किड डिड नॉट गेट वाटर, बकरी के बच्चे को पानी नहीं मिला पीने के लिए, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। हाँ, फॉल्स, गुड। द रैबिट वॉज इन द वेल, जो खरगोश था वो कुएं के अंदर था, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। द काल्फ डिड नॉट ईट द वेजिटेबल पैच, और उस बछड़ी ने वेजिटेबल पैच नहीं खाया, कह रहे, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसी के सारे आंसर्स हैं जो आपने अभी बताए, ये सेम है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये है रीअरेंज करने के लिए। तो रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर दे अकर इन द लेसन, है ना। तो रीअरेंज करना है आपको उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये लेसन में आए हैं। सबसे पहले क्या हुआ, चार पांच यहाँ पे सेंटेंस हैं। देखिए, ही गेव अ बंडल ऑफ ग्रास टू द काल्फ, मतलब कि वो बछड़े को बंडल ऑफ ग्रास देता है। दूसरा, द डक हैड रोल डाउन द कॉर्न इन द कोर्टयार्ड फ्लोर, कि जो जितनी बदक थी वो सब जो आंगन में जो फैला हुआ था मकई का दाना उस पर सब लोग फड़फड़ा रहे थे, पंख उस पर घूम रहे थे। या माँ एंड बापू वेंट टू टाउन, माँ और बापू जो है वो शहर को गए। या पहले क्या आएगा ये आपको देखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आपको नंबरिंग करनी है। भोला यूज्ड बर्निंग कोल टू कीप दादी माँ वार्म, भोला ने कोयले गर्म किए दादी माँ को गर्म रखने के लिए। और हिज पेरेंट्स केम बैक, उसके पेरेंट्स वापिस आए। तो बताइए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, पहला नंबर हम किसको देंगे? थर्ड का। यू कैन से द सेंटेंस, आप सेंटेंस बोल भी सकते हैं। थर्ड वाला बोल रहे हैं तो वो सेंटेंस क्या लिखा है वो आप मुझे बता सकते हैं। मैम दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन विल बी फर्स्ट, ऐसे आप मुझे बोल सकते हैं। या पहला नंबर इसको मैम एंड बापू। हाँ, वेंट टू टाउन। टाउन, हाँ। तो दिस विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, है ना। एंड व्हाट विल बी नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सेकंड? सेकंड क्या आता है, जब मार बापू शहर को चले जाते हैं फिर क्या होता है? उसके बाद होता है भोला यूज्ड बर्निंग कोल टू कीप ग्रैंडमदर वार्म, ये सेकंड होगा। थर्ड,
gave the bundle of grass to the calf. Or fourth hoga, the ducks had rolled down the corn on the courtyard floor. Or fifth, his parents came back. तो नेक्स्ट स्लाइड में ये इसको मैंने रीअरेंज किया हुआ है ना, ये देखो आगे की स्लाइड देखते हैं चलो। हाँ यहाँ पर ये देखिए, ये जो तीन वर्ड्स लिखे ना, ईट से और मूव, इससे संबंधित ऐसे कौन से शब्द हैं जो लेसन में आए, उन शब्दों को अपने को लेसन से उठाना है, वो टेक्स्ट आपको बताना है। जैसे कि ईट है, ईट का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? क्या आप जानते हैं ईच का मतलब क्या होता है? ईच माने खाना होता है ना, किसी भी वस्तु को हम खाते हैं तो हम उसको बोलते हैं वी आर, आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग। ईच माने खाना, से का मतलब होता है कहना, और मूव का मतलब होता है यहां से वहां जाना। तो इससे संबंधित कौन कौन से वर्ड आए हैं ईच से संबंधित बताइए। चलिए हम स्लाइड में ही देख लेते हैं क्या आंसर्स हैं इसके। ये देखिए ईट से संबंधित वर्ड्स आए हैं हमारे पास, फीड, च्यू, ग्रेज। फीड का मतलब खिलाना होता है, ये भी ईट से रिलेटेड है। वी शुड फीड द पुअर, च्यू, द काल्फ वाज च्यूइंग द ग्रीन ग्रास। च्यूइंग का मतलब होता है चबाना, है ना, कि बछड़ा जो है वो हरी घास चबा रहा था। ग्रेज, ग्रेज का मतलब जुगाली करना, द काल्फ वाज ग्रेजिंग, चरना, आई एम सॉरी जुगाली नहीं, चरना होता है ग्रेज का मतलब। से वॉर्न, वॉर्न करना मतलब चेतावनी देना, वो भी कहने का ही एक भाग है, रिलेटेड टू से वर्ड, है ना। मम्मी वॉर्न भोला, मम्मी ने भोला को वॉर्न किया। एडवाइज, सलाह देना, वो कह रहे हैं तभी तो सलाह देंगे, है ना, तो ये भी से रिलेटेड है। एडवाइज, फादर एडवाइज भोला टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। फिर है मेकिंग साउंड, मेकिंग साउंड में द काल्फ वॉज मेकिंग साउंड, मतलब बोल रहा है तो आवाजें निकाल रहा है, तो वो मुंह से ही तो निकाल रहा होगा ना आवाजें, तो वो कहने के उस पर हम उसको भी, उनकी भी अपनी भाषा है जानवरों की, है ना, उसको अपन से रिलेट कर सकते हैं। क्राइंग, रोना, तो वो भी जो बकरी का बच्चा है वो चिल्ला रहा था, तो चिल्ला रहा था मतलब मुंह से ही चिल्ला रहा होगा, वो भी मुंह से ही आवाजें निकाल रहा, तो वो भी हम से के अंतर्गत ले सकते हैं। नॉइज, शोर करना, वो उसको भी अपन से के रिलेट, से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक साइड में देखिए मैंने उसके सेंटेंसेस भी बनाए हैं इस प्रकार से। फिर है मूव, मूव करना, जैसे मैंने आपको बोला था एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो देखिए क्या क्या है। गो, द पेरेंट्स वर गोइंग टू द टाउन। फिर है मार्च, द डक्स वर मार्चिंग। यहाँ पे मार्च एक मंथ का नाम नहीं है, मार्च का मतलब था मार्चिंग, एक के पीछे एक चलना लाइन से, उसको कहते हैं मार्चिंग करना। फिर है रन, भोला हैड टू रन अ लॉट। फिर है पुश, भोला पुश द रैबिट बैक टू इट्स प्लेस। मतलब सारे वर्ड्स में आप देखेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीजें हो रही है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ये जितनी चीजें हैं, साउंड, हैंड, बेल और डॉग, उससे संबंधित चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। साउंड कौन कौन सा आया है टेक्स्ट में हमारे इस लेसन में? साउंड वो सबसे पहले मो वाला साउंड करता है जो काल, फिर वो किड है हमारा जो मी वाला साउंड करता है, और हैंड क्या साउंड करती है? कुट 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 वाला साउंड करती है ना। और हैंड से क्या क्या होता है, हाथ से क्या क्या चीजें की गई हैं? कैन यू आंसर, आप आंसर दे सकते हैं, हाथ से कौन कौन सी चीजें की गई हैं? चलिए देख लेते हैं हम स्लाइड में ही, इसके आंसर में ही देख लेते हैं। साउंड देखो, जैसे कि मैंने बताया मो, मे और कुट कुट वाला साउंड था। हैंड से वेविंग, वेविंग का मतलब ऐसे हाथ हिलाना होता है, जब कोई जाता है तो हम उसको बाय करते हैं। जो पिक्ड अप मतलब कोई चीज उठाना, टेप्ड आउट मतलब बाहर रखना। बेल, बेल से रिलेटेड क्या साउंड आया है? बेल का साउंड जिंगल, ठीक है। और उसके बाद डॉग से एक ही साउंड आया है अपने पास, बार्किंग। तो ये था हमारा सारा वर्ड्स और ग्रामर में यहाँ पर है। देखो यहाँ पर हमारा है वो स्पीच से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, हिज फादर एडवाइज्ड हिम टेक केयर ऑफ दादी। अब इसको हमको किस तरीके से चेंज करना है? हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू टेक केयर ऑफ दादी माँ। क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको? सिर्फ बीच का कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इन्होंने हटा दिया है, और
दोनों सेंटेंसेस के बीच में जोड़ने के लिए वहां पर हमको एक टू इसने लगा दिया, ठीक है। और जहां पर आपको लगता है कि एडवाइस दी जा रही, सलाह दी जा रही, वहां आप एडवाइस का प्रयोग कीजिए। जहां आपको लग रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज वगैरह आता है, वहां मतलब रिक्वेस्ट होता है ना। और जहां पे आपको लगता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, वहां पर हम ऑर्डर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको करने के यहाँ पर कुछ नियम है, वो नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू एडवाइज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एक्सेट्रा। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब पहला पार्ट सेंटेंस का, पहला पार्ट का मतलब जो कॉमा से पहले लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा है हिज फादर एडवाइज्ड हिम, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है, अगर एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस लिखो, ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड लिखो, रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड लिखो, ठीक है। फिर राइट टू बिफोर द रिपोर्टेड वर्ब, और आपको रिपोर्टेड वर्ब के पहले टू लगाना है। बहुत इजी है ये। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पे बना के दिखाया है, और उसके बाद नीचे दो से लेके सात तक अपने को बनाना है। यूज द वॉशिंग मशीन वंस इन अ वीक। तो शुरुआत का जो है हमारे पास, मिसेस खान हैज गिव सम इंस्ट्रक्शन टू हर सन जफर। तो मिसेस खान अपने बेटे जफर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। तो पहले वाला इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया, कम बैक होम इन टाइम, मतलब ये सलाह है कि घर जल्दी आना। तो इसलिए आंसर इसका होगा, मिसेस खान एडवाइज जफर टू कम बैक होम इन टाइम, ठीक है। अब वैसे ही दूसरे से लेके सातवें तक हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे यूज द वॉशिंग मशीन वंस अ वीक, कि वॉशिंग मशीन को हफ्ते में एक ही दिन इस्तेमाल करना है, ये भी सलाह है ना। यूज द किचन फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट ओनली, किचन का इस्तेमाल केवल ब्रेकफास्ट बनाने के लिए करना है, ये भी सलाह दे रही है। सीक परमिशन टू गो होम, घर जाने के लिए परमिशन लेना, ये क्या है, सलाह है कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है। ऑर्डर ठीक। फिर है डू द होमवर्क डेली, अपना होमवर्क रोज करना, ये क्या है, सलाह है कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है। ऑर्डर ऑर्डर, ठीक। डू द एक्सरसाइज डेली, ये क्या है। सलाह सलाह, एक्सरसाइज रोज करना भी तो एक सलाह ही है, सही में हम इसके बारे में किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते ना, सलाह ही दे सकते हैं। ठीक बोले आपने। टेक मेडिसिन डेली एट नाइट, है ना, रोज रात को दवाई लेना, ये क्या है बच्चों। ऑर्डर नहीं, सलाह, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर है नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट वी आर हैविंग एटलीस्ट 1 मिनट ओनली, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, है ना, इमेजेस दिख रही हैं, और मैंने कुछ यस वर्ड्स लिखे हैं। आपको पिक्चर को पहचानना है, और वहाँ कौन सा वाला वर्ड आएगा वो आपको लिखना है। फ्रेज है एक्चुअली, वो वर्ड नहीं है, फ्रेज है। तो देखिए, जैसे पहला वाला है वो कौन सा साइन बोर्ड है, बता सकते हैं, जिसमें वो ब्लैक कलर का एरो बना है, एक बताइए। बाकी आपका होमवर्क है, बहुत ही आसान है। अच्छा, वो फूल वाला बताइए, फूल बना हुआ है ना, दो फ्लावर दिख रहे हैं आपको, और रेड कलर से उसमें ऐसा बीच में से वो किया हुआ है, काटा हुआ है, इसका क्या मतलब हो सकता है। ऊपर वर्ड्स लिखे हैं, आप पढ़िए, बताइए क्या आएगा। नहीं समझ आ रहा है। डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, है ना, वो प्रोहिबिटेड का साइन है। मतलब ऐसे सर्कल के अंदर ऐसा लाइन अगर बना है तो वो प्रोहिबिटेड का साइन होता है, मतलब डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। अच्छा बताओ मुझे, ये बताओ, क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, ये कौन सी इमेज में आएगा। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करें, कौन सी इमेज है, दिख रहा है या कहीं तुमको जेब्रा क्रॉसिंग। यस मैम, हाँ यस उसके, मैम, हाँ वो उसके नीचे लिखना है ना, ये
ये देखो जहाँ पे बच्चे और मम्मी सड़क पार कर रहे हैं ना, वो व्हाइट कलर की पट्टियां बनी, उसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है, ये बात। और ये जो नर्स है हमारे बीच में है, जिन्होंने अपने मुंह पे उंगली रखी है, उसका क्या मतलब होगा, वो क्या बोलना चाह रही है? कौन सा शब्द आएगा? डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, है ना। वो देखो पानी की बूंद नल को बंद कर रही है, उसका क्या मतलब, कौन सा वहां पे फ्रेज आना चाहिए? पानी मत। हाँ, सेव वाटर, पानी बचाओ। और ये बीच वाला है जो शहर, जिसमें डस्टबिन की फोटो है, देखो तीन कलर के डस्टबिन है, ब्लू ऑरेंज और ग्रीन, सब लोग कचरा उठा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा फ्रेज आएगा? कीप योर सिटी क्लीन। हाँ, कीप योर कचरा सिटी, मत फैलाए। हाँ, कचरा ना फैलाए, कीप योर सिटी क्लीन। और इधर ऊपर वाला तो पता ही है, स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप हियर, स्टॉप मतलब रुक जाओ। और नीचे वो पेड़ काट रहा है तो वो मना कर रहा है ना, इसके लिए होगा डोंट कट द ट्रीज। काटो और वो बच्चा स्कूल जाने में लेट हो गया है, देखो कैसे दौड़ते भागते जा रहा है, तो इसके लिए हमारे पास है कम इन टाइम, समय से आई। तो इस प्रकार से आपको होमवर्क है, आपको नीचे फ्रेज लिखने हैं, ठीक है, इमेज से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो इसमें मेरा नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और होमवर्क भी सेंड कर दीजिए। कोई भी क्योरी होगी तो उसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट हुआ बोलते।